तीन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सीसीटीवी फुटेज ने पूरा भांडा फोड़ दिया है। दरअसल देखने को मिलेगा कि डिटेक्टिव आकर अभिमन्यु को बता देता है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है, वहां पर फोटोशूट हो रहा था उसी में, और वो फोटोशूट किसी और का नहीं वंश का ही फोटोशूट होता है, और वो वंश की ही फोटोशूट में आरोही की सारी ये कारनामे रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये दोस्तों देखने को मिलेगा कि सीसीटीवी फुटेज में अक्षरा और आरोही का जो एक्सीडेंट हुआ था और मंजरी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सारी सीसीटीवी फुटेज आ जाती है और तगड़ा झटका लगेगा जब पूरे परिवार के सामने सच आएगा। वहीं अभिमन्यु यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु को बताए, उससे पहले अभिमन्यु के हाथ लग जाते हैं सबूत, जिसके बाद अभिमन्यु अक्षरा की एक नहीं सुनेगा और उसे लगेगा कि शायद वो इसीलिए अक्षरा और आरोही परेशान थी फोटोशूट के दौरान भी, और कई बार उन दोनों के बीच में इतनी बातचीत हुई है जिस पर अभिमन्यु को शक भी हुआ था, और उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था तो अक्षरा ने मिलने से मना भी कर दिया था। इसके चलते वे अभिमन्यु को उल्टा अक्षरा पर ही शक हो जाता है कि उसने आरोही को बचाने की कोशिश की है। अभिमन्यु को अक्षरा काफी बताने की कोशिश करेगी, लेकिन अभिमन्यु अक्षरा से ही नाराज हो जाएगा इस बात को लेकर, गलतफहमी हो जाएगी कि अक्षरा ने उससे झूठ बोला है, जबकि अक्षरा को पूरा सच नहीं पता था। और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु में इस चीज़ को लेकर काफ़ी तमाशा होने वाला है। देखते हैं कि इस मामले का मैटर ये जो कैसे सॉल्व होता है और आरोही को कैसे सजा मिलती है।